कैंपियरगंज थाने में पंजीकृत मुकदमे के खुलासे हेतु प्रभारी निरीक्षक कैंपियरगंज नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कैंपियरगंज के मरचाही कुटी एफसीआई गोदाम के पास से जयराम यादव पुत्र शिवचंद यादव निवासी बोझी थाना घोसी जनपद मऊ, जितेंद्र निषाद पुत्र श्यामदेव निषाद निवासी पीवाताल थाना घोसी जनपद मऊ व संदीप यादव पुत्र लखू यादव निवासी बोझी थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया है, जबकि अभियुक्त राजेश यादव रामकेश यादव मुकेश यादव पुत्रगढ़ रामनयन यादव निवासी उसरी बुजुर्ग थाना दोहरीघाट जनपद मऊ मौके से जंगल का लाभ उठाकर फरार हो गए। अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है जिनके द्वारा ट्रक पर कूटरचित नंबर प्लेट लगाकर दूसरे आईडी का मोबाइल सिम का प्रयोग कर आपराधिक षड्यंत्र रचकर योजनाबद्ध तरीके से अपराध करते हैं, जिन्हें गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातर किस्म के अंतर जनपदीय अपराधी हैं, जिन्हें मोबाइल के संबंध में काफी जानकारी है, जिसका लाभ उठाकर अपराध कर आसानी से छिप जाते हैं, जो जनपद गोरखपुर व बाहर के जनपदों में भी घटनाओं में शामिल है। गौरतलब है कि वादी मुकदमा कमलेश पुत्र मोतीलाल निवासी चौरी थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, जो कृषक ट्रेडर्स बरगदही मछली गांव के प्रोप्राइटर हैं तथा गल्ले का कारोबार करते हैं, 10 मई को अभियुक्तगढ़ दूसरे की आईडी का मोबाइल सिम प्रयोग कर कूटरचित नंबर प्लेट ट्रक पर लगाकर ट्रांसपोर्टर को धोखा व आवेदक को धोखे में रखकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से रात लगभग 9 बजे ट्रक पर 95 कुंटल गेहूं लोड करके चालक व अन्य सहयोगियों के साथ गेहूं लेकर नवीन गल्ला मंडी चौरी चौरा गोरखपुर के लिए गए, लेकिन ट्रक चालक ट्रक लेकर गल्ला मंडी चौरी चौरा नहीं पहुंचा तथा उस ट्रक पर लदा माल धीरे धीरे सस्ते दामों पर अनजाने व्यापारियों को बेचने के प्रयास में थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।